द्रौपदी जी के लिए बोल सकते रचलावस्था में भी जब भगवान आए, भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रचलावस्था में है, आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले ये मत करो वो मत करो। हमारी यही प्रार्थना है कि कृपा करके एक बार आप अपनी जमीर से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, अपने अंदर से पूछो कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है। तो एक वक्त था जब प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी के भजन घर घर में बजाया करते थे और हर कोई जया किशोरी को मानता था, उन्हें सम्मान देता था। लेकिन जया किशोरी का रंग चेंज हो गया, बदल गया और वो अभी एक मोटिवेशन स्पीकर बन गई हैं। जी हाँ, जया किशोरी के भजन काफ़ी मशहूर हुआ करते थे और जया किशोरी की कथाएं लोग काफ़ी सुना करते थे, लेकिन जया किशोरी अब एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में हमारे सामने आती हैं और जया किशोरी के हाव भाव भी काफ़ी चेंज मिलते हैं। बीते दिनों जया किशोरी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी की शिकार हुई एक बात को लेकर के, एक वक्तव्य को लेकर के। उन्होंने कहा था कि महिलाएं पीरियड के अवस्था में भी पवित्र होती हैं, वो पूजा पाठ कर सकती हैं, वो घर आंगन कर सकती हैं, वो सारा कुछ कर सकती हैं जो सामान्य अवस्था में वो किया करती हैं। लेकिन इस बात पे कई कथावाचक उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आए, जिसमें से ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज ने भी उन्हें कहा था कि जया किशोरी अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करो, लेकिन तुम उल्टा सीधा मत बोलो, जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है उसको तुम अगर नकार रही हो तो तुम कोई कथावाचक नहीं हो और तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जब स्त्री का स्त्री धर्म हो उसे पूजा करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसे ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो, पूजा रसोई अनुष्ठान इनसे दूर रहे। या उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वलाख थी उस समय भगवान समा गए। अरे हो, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इसके बाद में हमारे परम पूज्य आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने इस बात पे जया किशोरी को फटकार लगाया और उन्होंने कहा कि अगर किसी को जानकारी नहीं है तो उन्हें जानकारी लेनी चाहिए, धर्मशास्त्र का संज्ञान होना चाहिए, ऐसे ही कोई वक्तव्य हजारों लोगों के सामने नहीं बोल देना चाहिए। जो लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, उनको वो क्या पढ़ा रही हैं? वो पढ़ा रही हैं जो कि हमारे धर्मशास्त्रों के खिलाफ है। तो इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने भी उन्हें काफ़ी जम करके फटकार लगाया है। फिलहाल मित्रों इस पे आप सभी का क्या राय है अपनी राय जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।